विशेषताएं हैं, आजकल उत्तराखंड का मौसम कैसा होता है, जिस समय सर्दियां होती हैं तो वहां हिमपात होता है, हिमपात के समय में सूर्य के दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। और कल ही आप सबकी जानकारी के लिए कि कल से हमने राज्य में एक शैक्षिक भ्रमण की तरह ही शीतकालीन यात्रा का भी प्रारंभ किया है। अब मेरे एक मित्र मुझे कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा काम है, कल रात को मुझे फोन कर रहे थे कि बहुत अच्छा काम है। और लोग चूंकि इस समय जहां हम आप लोग जाएंगे, अभी राजस्थान जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, आप दिल्ली जाएंगे, तो आपको थोड़ा परिवर्तन दिखाई देगा कि जहां आप रहते हैं वो देवभूमि है। और देवभूमि की अपनी विशेषता क्या है, जहां अनेक स्थानों पर आज भगवान सूर्यदेव महीने महीने भर तक दर्शन नहीं देते और हमको रोज दर्शन देते हैं। हम यही दिल्ली में जाते हैं एनसीआर में, तो कितने लोगों को, कल आदरणीय सविता कपूर जी मेरे पास आई थी, हालांकि ये तो शादियों में, बरातों में, रात में इनके पाला पड़ गया होगा, ठंड में घूम रही होंगी, तो इनको सर्दी लग गई थी, खांस रही थी, तो मैंने अचानक इनसे पूछा, कहीं आप दिल्ली तो नहीं गई थी? क्योंकि जो लोग भी हमारे यहां से जाते हैं, आप लोगों को पता है ना, वहां का जो प्रदूषण है बहुत ज्यादा है, EQI एयर क्वालिटी इंडेक्स वो बहुत ज्यादा बताता है, और वहीं हम उत्तराखंड आ जाते हैं तो बिल्कुल हमारा 50, 60, 40, 30 इस प्रकार का होता है। और मैं कल तो जहां ऊखी मठ को रात्रि को मैं रुका था सारी गांव में, वहां का तो पता ही नहीं लग रहा था, इंडेक्स बिल्कुल 0 के आसपास घूम रहा था। तो ये सब हमारी विशेषताएं हैं। और क्या है, जैसे अब ओंकारेश्वर भगवान का मंदिर है ऊखी मठ में, तो बहुत सारे लोग, उनकी जानकारी में नहीं होगा कि जब भगवान जो है कपाट खुलते हैं बाबा केदार, तो 6 महीने वहां रहते हैं, कहां, जहां उनका स्थल है, जहां मंदाकिनी है, जहां सरस्वती है, जहां हिमालय है। और जब कपाट बंद हो जाते हैं 6 महीने के लिए, तो 6 महीने भगवान का निवास स्थल कहां हो जाता है, ऊखी मठ में, ओंकारेश्वर मंदिर में। यानी कि अब जो लोग भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो कपाट बंद हो गए हैं, लेकिन कपाट बंद होने के बाद भी भगवान विराजमान है, शीतकालीन गद्दी है, उस गद्दी के दर्शन करेंगे, तो कोई मैं धर्म के विषय में बोलने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि भगवान का दर्शन करने से वही पुण्य फल उनको जो वहां प्राप्त होता था यहां भी प्राप्त होगा। तो हमने कहा कि भाई आइए आप हमारे यहां, बहुत सारे डेस्टिनेशन है, बहुत सारे स्थान है, जैसे हमारा जोशीमठ है, भगवान बद्रीनाथ जी वहां जाते हैं, नरसिंह भगवान वहां विराजमान है, ऐसे ही हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, खरसाली, अनेक स्थान ऐसे, पैठाणी में हमारे क्या राहु का स्थान, राहु देवता का जो है क्या मंदिर है, मंदिर राहु मंदिर है एकमात्र, अल्मोड़ा में हमारे सूर्य भगवान का मंदिर है, कटापल, अनेक स्थान है। और उन सबके बारे में आप मतलब और लोगों को सबसे तो सबको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ये जो हमारे 190 छात्र एवं छात्राओं का चयन हुआ है और आप सब मेधावी हैं, आपको इस दल में सम्मिलित होने का अवसर इसलिए मिल रहा है कि आपने अपनी मेधा का प्रसन्न किया है, आपने उत्कृष्टता प्राप्त की है। इसके लिए उत्कृष्टता के नाते पूरा उत्तराखंड का एक एक स्थान, एक एक विशेषताएं, एक एक देव स्थान, एक एक डेस्टिनेशन, हमारी प्रमुख नदियां, हमारे प्रमुख हिम शिखर, हमारे वन, ये सारे आपके ध्यान में होने चाहिए। और ये आपके लिए ऐसा होना चाहिए जैसे कि रटा हुआ है, कोई कुछ पूछे, यहां से निकला, वहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, आपने ऐसे बता दिया जैसे कि आपके ध्यान में ये चल रहा हो, मतलब ध्यान और भी करिए, यानी कि यही रुकना है लेकिन इसको करना है, ठीक है, करेंगे ना? चलिए बहुत अच्छा, क्योंकि ये शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम
आप सबके आप सबकी सोच को